Know all about the telly world by subscribing to TellyChakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos. Well, hi and welcome to TellyChakkar.com. I have with me the handsome Sahil Anand. Sahil, firstly, welcome back to TellyChakkar. Thank you so much. Why did you think that it was like this? इतना स्पेसिफाई लोगों को पता मैं हैंडसम जिसके लिए गुमान नहीं करता ऐसे गुमान नहीं करते नहीं गुमान तो कभी है ही नहीं कभी जिंदगी में नो नो ऑन ए सीरियस नोट आई हैव नेवर लाइक मुझे पसंद ही नहीं कोई मेरी तारीफ करे आई स्वेयर किसी से भी पूछो जो मेरे दोस्त है तो मतलब कोई तारीफ करता मैं जा मुझे नहीं चाहिए तो साहिल अभी सबसे मेन इवेंट जो आपकी लाइफ में होने वाला है वो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 गोइंग ऑन एयर कितनी एक्साइटमेंट है बहुत एक्साइटमेंट है एंड उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी जब मैं सेट पे गया था एंड फॉर शूटिंग बिकॉज मुझे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि जब ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग स्टार्ट हुई थी ना तो सबको यही लगा था कि सो पुरानी कास्ट का होगा या कुछ होगा तो सारे मुझसे पूछते तू है ना इसमें तो मैं कहता नहीं यार पागल है क्या नई स्टोरी है कोई नए लोग हैं ऐसे ऐसे मैं उनको सबको बोलता था तो मुझे पता ही नहीं था ये चीज़ें कि मेरा भी होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में सो जब वो मूवी बन गई उसके बाद जाके दे हैव शॉट दे मतलब करण या माई सीक्वेंस तो पुनीत करण सर ने सबने सोचा कि वी शुड बी देयर इनसाइड एंड जैसे आलिया को एक गाने के लिए लेकर आए और मुझे और मनजोत के लोग एक एंड में स्पोर्ट्स का एक सीक्वेंस है उसके लिए मतलब मेन इवेंट्स जो हैं तो उसके लिए लेकर आए सो या इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग एंड वही पुराने लोग मिले कुछ सेट में जैसे मेकअप दादा ले लीजिए या मेरे हेयर वाले लीजिए वो वही थे जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 के तो वो रिफ्रेश हो गई सारी मेमोरीज बहुत हमने बातें करी कि क्या करा इतने साल क्या थे कहाँ थे ये थे वो थे तो बहुत अच्छा लगा ये कहना गलत नहीं हो सकता दैट आई वॉच द ट्रेलर फॉर मी इट वाज अ 50-50 डे आई एम श्योर आपने भी ट्रेलर देखा होगा बट फैंस के नाते अगर मैं बोलूं कईयों को आपका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा कि चलो इट्स समथिंग यू नो वेरी फ्रेश एंड कईयों ने बोला कि यार नहीं मजा नहीं आया सी दे हैव सीन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 सो वो जो 1 month ही है ना मैं 2 के बाद भी बोल रहा हूँ उसका कोई मुकाबला नहीं है सो पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस ऑफ दैट थिंग तो आज की जनरेशन को लेकर मगर आप देख लेना अब देखो हमेशा किसी के भी कुछ भी बनता है तो उसके लोग कुछ होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं कुछ होते हैं जो कहते हैं नहीं यार नहीं अच्छी बट देखने ज़रूर जाएंगे तो वो देखते देखते मेरे को लगता है इसने 100 crore तो कर देने क्योंकि टाइगर की मूवी है पीपल वॉन्ट टू सी स्टंट्स पीपल वॉन्ट टू सी हिज डांस पीपल एंड द गर्ल्स आर ऑल्सो वेरी प्रिटी सो यंग जनरेशन ज़रूर जाएगी वो देखने और मुझे पता है कि मूवी चलेगी एंड जो भी क्रिटिक्स हों आप एक बार देखते हैं अभी फ्राइडे आ रहा है तो लेट्स सी लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप कि सब जाएं मूवी देखने मेरे लिए ही चल लो यार सो आई हैव अ बंच ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू बट जस्ट कीप इन माइंड दैट यू हैव टू आंसर देम कीपिंग इन माइंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर की अपनी जो आपकी वो को कास्ट रही है उनको माइंड मेन लीड कास्ट ठीक है तो उसका नाम है हु इज मोस्ट लाइकली टू सो द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी हु इज मोस्ट लाइकली टू लाफ इन अ सीरियस सिचुएशन इन माय स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 यस आलिया Who do you think is most likely to have bullied in school or college? I think Manjot. And who do you think would have been bullied? Wow. I think Kayo. Who do you think would have liked the most female or the male attention? Varun Dhawan. Sahil would say himself, but yeah, let's take the next one. Who is most likely to have failed in school or college? Me. सारी कौन सी क्लास थी सेवन्थ थी या एट्थ थी उसके बाद तो इंजीनियरिंग करी है तो बहुत सी सप्लीज भी आती थी तो एंड में जाके क्लियर करी है बट हाँ हर साल तो फेल होता ही था थोड़ा अच्छा भगवान ने केटी बना दिया वरना क्या ही होता बट चलो नेक्स्ट वन हु डू यू थिंक इज मोस्ट लाइकली टू गो इनएक्टिव ऑन सोशल मीडिया हु इज मोस्ट लाइकली टू गो इनएक्टिव ऑन सोशल मीडिया फ्रॉम माय कास्ट यस कौन लगता है जो Inactive, I would say Mansi. Who do you think would not attend a function because the outfit for the evening is not appropriate? Sana, Sahil. Who do you think can attend a wedding function with an empty packet but for free food? Kisne kara hoga? Kaun kar sakta hai? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार क्योंकि सारे इतने अमीर थे नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं करा मतलब मैं खाली पैकेट के मैं पैकेट ही लेकर जाता हूँ बात ये है मतलब गेट क्रैश किसने किया है गेट क्रैश मैंने करा है
गेट क्रश में करा, बट मैं तो पैकेटिंग नहीं लेकर जाता यार, मैं तो सीधा जाता हेलो हेलो हाथ मिला के आता हूं. ओके द नेक्स्ट वन, हु डू यू थिंक इज मोस्ट लाइकली टू क्रैक द मोस्ट वल्गर जोक? वल्गर तो मेरे ही जोक्स होते हैं. ओके, हु इज, अगर आप स्टूडेंट थियर की बात कर रहे हैं, हां या हु इज मोस्ट लाइकली टू बी द विटिएस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू? सिद्धार्थ. Who do you think, before they made a big name in the industry, would have impressed a girl or a boy with their celebrity card? I think Varun. Okay. Who do you think is a devil in disguise? No, there's no devil in disguise. सब सब बाशरी हैं. सब सब बहुत अच्छे हैं. There's nobody like that, यार. ऐसा कोई होता ही नहीं है. नहीं तो I don't know. No one. Okay. And who is an angel? You. Shukriya. And who do you think is a secret keeper out of all of you? See, agar personal life ki baat kari jaye to bahut se log mere ko apni bahut se secrets batate hain, but aaye mera ek rule bhi hai life ka ki main kabhi idhar ki udhar nahi karta. Jaise kasauti mein bhi bahut si cheeze chal rahi hain to sab mujhe batate hain kyunki unko pata hai ki I always keep things in me, and I don't like ki agar koi mere se share kar raha hai ki to main jaake kisi aur ko chugli karu us cheez ke bare mein ya everything, because usne kuch bharose se mere se baat kari hai. So I think ki agar ye dekha jaye, kyunki mere ko auron ka pata nahi hai, mere ko apna pata hai ki agar koi secret mujhe bataye to main apne andar rakhta hu. I'm not a person who will, and that's why I think everybody in Kasauti does that. मतलब वो सोचते हैं हाँ साहिल साहिल को बताते साहिल को बताते सब मेरे से अपनी शेयर करते हैं, मैं भी हाँ सुनता 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 और अंदर ही रखता हूँ. ओके, एंड अगर पंजाबियों के तरीके से पूछूँ तो ऐसा कौन है जो सीक्रेट्स